कैप्टन हॉकिंस से मुलाकात कहां तक की जहांगीर ने? आगरा में। बसने के लिए परमिशन कहां दी? आगरा में बसने के लिए सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी, पर वहां के स्थानीय व्यापारियों ने इसका क्या किया? विरोध किया। दिमाग में एक कहानी बैठा लीजिए, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, एक एक करके बस रटिए नहीं, क्योंकि क्या है जब आप फ्लोचार्ट में इन सब चीजों पर एक एक करके दिमाग में फीड करेंगे तो काफी ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो अंग्रेज अधिकारी आता है, अंग्रेज आता है भारत में रहे 3 वर्षों तक। ध्यान दीजिएगा, जेम्स प्रथम राजदूत, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में एंट्री मार। ये आता है, जहांगीर से मुलाकात करता है, जहांगीर से क्या है, अपने राजा के साथ संबंधों के बारे में चर्चा करता है। साथ ही साथ इसका यह प्रभाव रहा, इसने ये भारत में आता है तो भारत में व्यापार से जुड़े हुए कुछ टैक्स पर क्या करता है, ये छूट प्रदान कर लेता है। बातचीत करके जहांगीर से क्या करता है, परमिशन मांगता है, इंप्रेस करता है, और उसके साथ साथ कंपनी को 2 लाइसेंस भी प्राप्त हो जाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं भारत में, क्या कर सकते हैं व्यापार कर सकते हैं भारत में, क्या कर सकते हैं व्यापार कर सकते हैं। उससे प्रथम राजदूत कौन था, प्रथम राजदूत कौन बन के आ रहा है, जिस प्रथम राजदूत बनकर के क्या है, जिस प्रथम राजदूत बनकर के ये भारत आ रहा, धीरे धीरे व्यापार करना क्या करेंगे शुरू करेंगे, धीरे धीरे भारत में क्या है व्यापार करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे ये अपनी एक के बाद एक कोठियों की स्थापना करेंगे। लेकिन इनका जो आगे चल करके फायदा मिलता है, जैसे कि आपने पढ़ा, हमने आपको बताया कि अल्बुकर्क स्पेन पुर्तगालियों को फायदा कब मिला, 1498 से आकर के थोड़ा थोड़ा करके व्यापार कर रहे हैं, लेकिन असली फायदा कब हुआ, उन्होंने गोवा को जीता तब उन्होंने क्या की, स्थायी शक्ति की अपनी क्या कर ली, स्थापना कर ली। ऐसे ही क्या कर रहे थे, ये किसी बंदरगाह से, हर बंदरगाह से जाते थे, टैक्स वगैरह देते थे, व्यापार करते थे। लेकिन 1632 के आसपास में 32 के आसपास में एक गोलकुंडा बंदरगाह के बारे में सुना, गोलकुंडा डॉकयार्ड सुना है, कहां पड़ता है वेस्ट में पड़ता है, गोलकुंडा बंदरगाह वेस्ट साइड में पड़ता है। ठीक है, तो गोलकुंडा बंदरगाह एक इन्होंने क्या कर लिया, किराए पर ले लिया। अभी तक क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे, हाँ ठीक है, आप कोचीन साइड में ही उधरी साइड में पड़ जाएगा गोलकुंडा के बंदरगाह, ये व्यापार कर रहे थे। तो वहां के सुल्तान हुआ करते थे उन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, अब्दुल्ला के साथ उन्होंने डील की और उन्हें कहा एक काम करिए, आप बंदरगाह की देखरेख मत करिए, हम आपको पेमेंट कर रहे हैं, हम आप हमसे क्या कर लीजिए, पैसा ले लीजिए और सारा बंदरगाह की देखरेख हम करेंगे। वही होता कि मालिक तुम क्या कर रहे हो, तो राजा हो जाओ घर में बैठ, सारा हम लोग हैं ना काम करने के, 500 पाउंड वार्षिक करके बदले, मात्र कितना, मात्र 500 पाउंड गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों क्या कर लिया, किराए पर ले लिया कह सकते हैं, पर अपना 500 पाउंड दे दिया, वार्षिक 500 पाउंड है, मंथली नहीं है, 500 पाउंड है। और आपको बता दिया जाए बहुत ही ज्यादा फायदा, अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक परमिशन ले रहे थे व्यापार करने के, लेकिन 1632 गोलकुंडा बंदरगाह 500 पाउंड वार्षिक करके बदले
केयरली टैक्स दे करके इन्होंने क्या कर लिया, ठीक है, उसके क्या है सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का इन्होंने क्या कर लिया, व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है। इतना ज्यादा फायदेमंद था कि इसे फरमान गोल्डन है, क्या है एक भैया सोना ही इनके हाथ लग गया। अभी तक होता क्या था, अभी तक होता क्या था कि व्यापार कर रहे थे, अभी ये किसी दूसरे के अंडर में व्यापार कर रहे थे। अब बंदरगाह इन पे कंट्रोल आने के पश्चात क्या हुआ जानते हैं, दो फायदा हुआ, एक तो अब इन पे रोज रोज जो टैक्स देना है उससे मुक्ति मिल गई, उसी चीज भारत के जो व्यापार हो रहे थे उन पर कंट्रोल स्थापित कैसे किया जाए ये भी अब क्या है, अब मान के चलिए ये सिस्टम में एंटर हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहे थे, धीरे धीरे अब ये क्या हो रहे थे सिस्टम में एंटर हो रहे थे। तो ये क्या है इन्होंने, ठीक है, ये अगर आप यहाँ पर नाम गोलकुंडा के सुल्तान करते थे तो नाम लिख सकते हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह, गोलकुंडा बंदरगाह किससे किराए पे लिया, सुल्तान पर, फिर से क्लियर कर इसी वाले पॉइंट से और बीजापुर वाले कंफ्यूजन इस पूरी लाइन को मैं एक बार बोल रहा हूं। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा बंदरगाह के सभी अधिकार अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 रुपए वार्षिक कर के बदले किराए पर ले लिया। लाभकारी फरमान था, बहुत ही ज्यादा लाभकारी, मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा लाभकारी, बिल्कुल लेंगे आगे लेंगे। अभी इन्होंने तो अब्दुल्ला कुतुब शाह अभी तक क्या कर रहे थे, नॉर्मल तरीके से व्यापार कर रहे थे, व्यापारिक कोठी की स्थापना कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये क्या धीरे धीरे प्रशासन में क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। साथ ही साथ एक कभी कभार पूछा जाता है क्वेश्चन में 39 में स्थापना की चंद्रगिरी नामक स्थान पर, 1639 में चंद्रगिरी के शासक से क्या किया, अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर लिया, मद्रास को वही लीज पर ले लिया और यहीं पर एक इन्होंने क्या किया, ठीक है, शासक क्या किया मद्रास को लीज पर लिया कह सकते हैं, मद्रास को पट्टे पर लिया और यहीं पर इन्होंने एक सेंट जॉर्ज नामक एक क्या कर दिया, सेंट जॉर्ज नामक एक फोर्ट का निर्माण किया, सेंट जॉर्ज नामक किले का यहां पर उन्होंने क्या किया निर्माण, सेंट जॉर्ज नामक किला, ध्यान दीजिएगा किला मद्रास में किला कौन सा है, मद्रास में जो किला बन रहा है वो सेंट जॉर्ज नामक किला हुआ करता था, ठीक है मद्रास में, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना किसने किया, तो फ्रांसिस डे ने क्या किया, सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना किया। कंफ्यूज मत होइएगा, आगे हम एक और किला बताएंगे, फोर्ट विलियम जो कहां पर है, बंगाल में रहेगा 1700 के आसपास में उसकी क्या करेंगे स्थापना करेंगे, यहां पर सेंट जॉर्ज है, सेंट जॉर्ज की स्थापना कहां पर हो रही है, मद्रास में हो रही है, मद्रास कहां पड़ता है, चेन्नई अपना तमिलनाडु, ठीक है। फ्रांसिस डे ने क्या की, अब मद्रास में है बस इतना जाने, मद्रास एक बड़ी जगह है, मद्रास के अंदर आप जब जाते हैं तो आपको क्या है वहां पर फोर्ट मिलेगा, ठीक है। चंद्रगिरी के शासक से इन्होंने, हाँ बेटा क्या है, मद्रास को लीज पर इन्होंने लिया, पट्टे पर लिया, उसमें मद्रास एक छोटा जिसे कोलकाता था, कोलकाता अगर देखा जाए आगे हम कोलकाता भी बताएंगे, मात्र 3000 रुपए दे करके कोलकाता को क्या ले रहे हैं, वार्षिक कर दे दिया कि भैया 3000 रुपया ले लो, ये तीन गांव हमें क्या दे दो किराए पर दे दो, कौन कौन थे, कालीघाट, सुतानाती और क्या है गोविंदपुर, तीन गांव ऐसे निकल के आएंगे, तीन गांवों का उन्होंने क्या किया शहरीकरण किया, वहां पर एक किले का निर्माण करवाया, एक फोर्ट विलियम किले, उसको इन्होंने क्या किया अपना प्रशासन का सेंटर बना लिया, ठीक है।
वैसे ही यहां पर एक किले का निर्माण हो रहा है। अब इसका क्या कर, अब कह सकते हैं मद्रास का क्या हो रहा, अब यहां पर मद्रास का शहरीकरण यहां पर धीरे धीरे मद्रास को अब ये क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। यही कारण है। अब देखिएगा एक और चीज है यहां पर, एक और चीज लगे हाथ जान सकते हैं, मद्रास में अपना पहला किला बना रहे हैं ये लोग, यानी कि पहली जो प्रेसिडेंसी होगी कौन सी होगी। अगे हाथ एक क्वेश्चन, तो इसको तो रटना नहीं पड़ेगा ना। अब वो कहा है, अगर फैक्चुअल रटेंगे तो आप ढूंढते रह जाएंगे कि भैया। अब अगर ये भी है, एक और क्वेश्चन लगे हाथ बता दूं, लेटेस्ट का क्वेश्चन है, एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, मैं पढ़ा था कि पहला जो नगर निगम आ रहा है वो कहां पे आ रहा है, कि डेवलप के कौन कर रहे हैं, मद्रास। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट से तीन क्वेश्चन निकल रहे। तो यही कारण है कि पहले क्या होते, जब मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसके बाद जब बंगाल बन जाएगी, ठीक है, बंबई बन जाएगी, ठीक है, पहले मद्रास बनेगी उसके बाद बंबई और फिर जाके बंगाल में आएगी। लेकिन बंगाल काफी ज्यादा कह सकते हैं फायदेमंद रहा उनके लिए, बंगाल स्थान पे सबसे ज्यादा उन्होंने अपना विस्तार किया, सबसे अच्छा उनका कंट्रोल रहा। तो आगे चल करके बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर देंगे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब जो सर्वे सर्वा हो जाएगी वो कौन हो जाएगा, वो बंगाल हो जाएगी। तो चंद्रगिरी नामक एक शासक से वहां पर जमीन पट्टे पर लिया और उन्होंने क्या कर दिया कि हम यहाँ पर क्या है। अच्छा, अब आप कहोगे कि सच कहा है, जमीन दे देते थे, आज जगह की किल्लत है। आज भी आप गांव दूर दराज में चले जाइए, जैसे मैं बहराइच से बिलोंग करता हूँ, तो आज भी रुपैडिया साइड में या नेपाल बॉर्डर पर चले जाइए, कभी कभार क्या था गाँव में कोई आदमी आ गया भटकते हुए, भैया हमको रहने की जगह दे दो, तो आज भी लोग दे देते हैं जगह की, चलो भैया गाँव किनारे जमीन खाली पड़ी वहाँ घर बना कर। तो ऐसे ही व्यापार करने आ रहे थे। दूसरी चीज, हमें भी तो है भाई, अभी एक अंग्रेज दिख जाए तुरंत लोग सेल्फी लेना स्टार्ट कर देते हैं, कि कुंभ मेले में चले जाओ, बनारस में चले जाओ, तुरंत लोग सेल्फी लेना स्टार्ट करते हैं, भाई अंग्रेज के साथ सेल्फी ले लो हमारे। सोचो बेचारे आए थे व्यापार करने, ये खुद परमिशन मांग रहे, कौन मना कर देगा इनको बसने से, जाओ बसो भैया कहो, ठीक है। तो उस समय कह सकते हैं कि स्टेटस का सिंबल भी हुआ करता था, कल भी ऐसा हुआ करता। यही कारण है कि मद्रास में इनको क्या किया गया, बसाएगा। अब असली खेल तो यहां पर हो, एकदम क्रम से हम बढ़ रहे हैं, 1608 में ला रहे हैं, 1601 पर फिर से मैं रिकॉल करवा दे रहा हूं, 1608 में विलियम हॉकिंस आ रहा है, कुछ नहीं है पीछे लिखा, बस सुनते जाइए। 1608 में विलियम हॉकिंस आ रहा है, सूरत में मुलाकात करवा रहे हैं, सूरत में आ रहा है, आगरा में मुलाकात करवा रहे हैं जहांगीर के साथ। जहांगीर के साथ जब हमारी मुलाकात होती है, आगरा में बसने की परमिशन दे दी, कहा कि आप सूरत में जाकर के फैक्ट्री की स्थापना कर सकते। लेकिन स्थानीय व्यापारियों ने विरोध किया, तो उन्होंने कहा ये मसूलीपट्टनम चलेगी, इन्होंने फैक्ट्री लगाई, ठीक है। उसके बाद इसी समय थॉमस वेस्ट नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों के साथ टकराव हुआ और सवल्ली के युद्ध में सूरत नामक स्थान के पास में, ठीक है, वहां पर क्या किया, उसने पराजित कर दिया पुर्तगालियों को। और पराजित करने के साथ साथ जो सूरत वाला क्षेत्र हुआ करता था, जो पुर्तगालियों के अधिकार में था, अब वो किसके अधिकार में आ चुका था, अब वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। तो फिर जहांगीर ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए बोला कि भैया आप में आकर के क्या है, फैक्ट्री की स्थापना कर सकते। फिर धीरे धीरे व्यापार चल रहा था। 1615 में थॉमस रो आ रहा है, कुछ मिस नहीं हो रहा है ना अभी। 1615 में उसने कुछ व्यापारिक कर की छूट प्रदान की, कंपनियों का लाइसेंस भी प्राप्त किया। उसके बाद थोड़ा सा और आगे हम टाइम पीरियड बढ़ाते हैं, 1632 में हम गोलकुंडा पहुंच जाते हैं, गोलकुंडा में बंदरगाह लेते हैं किराए पर 500 पाउंड वार्षिक करके बदले, और उसके बाद क्या करते हैं हम वहां पर उसको व्यापार करना वहां से क्या करते हैं शुरू करते हैं। हाँ बताए, थोड़ा सा मैंगलोर के थोड़ा सा नीचे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये पहुंचते हैं, कहां पहुंच जाएंगे, उसके बाद ये मद्रास पहुंचते हैं, पट्टे पे ले लेते हैं, सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करते हैं। असली खेल यहां पर 1661 वाह हो रहा, वाह कहां हो रहा है, वाह हो रहा है यूरोप में। किसका हो रहा है, चार्ल्स सेकंड का विवाह हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, ब्रिगेंजा कैथरीन, ब्रिगेंजा कैथरीन, ये ब्रिटेन का सम्राट क्या था, किंग था, प्रिंसेज ऑफ, ये पुर्तगाल की क्या थी, ये राजकुमार के साथ चार्ल्स सेकंड का विवाह, अंग्रेज
ब्रिटेन का राजा था चार्ल्स सेकंड, राजकुमारी कौन हुआ करती थी? ब्रगंजा कैथरीन, ब्रगंजा कैथरीन, या कैथरीन लिख सकते हैं, सिंपल सा कैथरीन लिख सकते हैं कि कैथरीन का विवाह। आप कहोगे सर इस विवाह से हमें क्या मतलब? बॉम्बे हाथ से इतिहास में दो विवाह हुए, हर युवा चाहता है कि ऐसा विवाह हो, एक मगध का विवाह है अजात शत्रु का काशी दहेज में मिला, और एक विवाह ये हुआ था बंबई दहेज में। लड़के बोलते हैं चाचा हमारे विधायक है, ये बोलता है चाचा हमारे गवर्नर है। बंबई इस समय पुर्तगालियों के अंडर में थी, पुर्तगालियों पर इस महाराष्ट्र नहीं बंबई भी आ चुकी थी, बंबई भी आ चुका, ये मुंबई पर अधिकार इस समय जो था, ये मुंबई पर अधिकार जो हुआ करता था वो पुर्तगालियों का था, क्योंकि पुर्तगाली लंबे समय से 1498 से आ चुके थे, तो बंबई पर अधिकार था। विवाह हुआ चार्ल्स सेकंड और इनके बीच में, अब भाई रिश्तेदार बन गए, उन्होंने कहा उपहार में कहा इच्छा आप लोग आ ही गए हो भारत तक, तो एक काम कर लो बंबई को हम लॉरी में दे रहे हैं, भाई दहेज देना और लेना बुरी बात, जब दे रहे हैं तो क्या हार समझ के ले लिया है, मना भी नहीं कर पाए, ठीक है। तो बंबई को क्या मिला? दहेज में मिला 1601 में, यानी कि अब कंट्रोल किसका हो जाएगा यहाँ पर? बंबई पर, अभी अंग्रेजों का भी नहीं हुआ, अभी चार्ल्स सेकंड का कंट्रोल, अभी किस पर कंट्रोल है? अभी कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी, हाँ मुंबई पर अधिकार था बच्चा, मुंबई दे दिया, फिर हम जाए थे कहीं नहीं गए बेटा, उन्होंने कहा बंबई पर जो हमारा प्रशासन है, बंबई पर हमारा नियंत्रण है। अब बंबई देने का मतलब क्या है कि बंबई से जो इनकम होगी, बंबई में आप व्यापार कर सकते हैं, बंबई से जो राजस्व है रेवेन्यू जो मिलेगा आप उसको दे सकते, ठीक है। ऐसे इनसे में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि उसमें बताया जाता है कि काशी दहेज में नहीं दिया जाता है, काशी भाई ऐसा तो है नहीं गाड़ी बंगला है कि उठा लेके चले गए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बंबई है तो वहां से क्या मिलेगी, वहां से इनकम ही तो होगा, वहां की जो आय होगी उससे ही मिलेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बंबई का, अब भाई चार सेकंड तो आ नहीं सकते थे कि आए घर घर जाए कि भैया तुम्हारे घर में पानी आता है, तुम्हारे घर में सीवर लाइन बनी है, टैक्स दो हमको। तो इन्होंने क्या किया, चार्ल्स सेकंड ने 1669 में, ठीक है, मात्र 10 पाउंड दे करके क्या कर दिया, कंपनी को बंबई दे दी। ठीक है, पॉइंट आगे नोट करिएगा कि 1669 में चार्ल्स सेकंड ने बंबई को, हाँ इसी पॉइंट को बता रहे हैं देवी, प्रेसिडेंसी का मतलब अभी इन्होंने अपना प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन था, और जैसे इन्होंने सूरत में एक फैक्ट्री लगाई, एक इन्होंने मछलीपट्टनम में लगा दी, अब सबका लेखा जोखा मद्रास से तय, मद्रास में इन्होंने क्या कर लिया, अपनी एक कह सकते हैं वो डायरेक्ट जो डायरेक्टर वगैरह थे बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल के जो मेंबर हुआ करते थे वो अब यहाँ बैठते थे, तो इसके अधीन क्या कर रहे थे कि जो भी रियासत डिसीजन जाएंगे वो उनके हिसाब से वहां पर व्यापार हो, ठीक है। ऐसे जब बंबई बन गया तो अब भाई क्षेत्र भाग छोटा मोटा क्षेत्र था, धीरे धीरे जब उनका व्यापार बढ़ने लगा तो जब बंबई उनका बढ़ जाएगा तो बंबई में बंबई के आधार पर जैसे का है यूपी के अंतर्गत, आपको पता होगा यूपी के 18 टोटल 18 मंडल के आसपास में है, ठीक है, तो अलग अलग हिसाब से कमिश्नरी क्षेत्र होते हैं, तो वही हिसाब से यहां पर था कि अब इस क्षेत्र का वो देखेगा उस क्षेत्र का। ऐसे ही बंगाल में जब था तो भाई अब तीनों को कंट्रोल एक साथ किया जाए, तो बंगाल को जैसे दिल्ली राजधानी बना दी गई वैसे उस समय बंगाल को सर्वे सर्वा दे दिया गया बाकी दोनों, ठीक है। पॉइंट लिखिएगा 1669 में चार्ल्स ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को क्या दे दिया, कंपनी को बंबई दे दिया, चार्ल्स सेकंड ने क्या कर दिया कंपनी को दे दिया। अब कंपनी को किराए पर दे दिया है, कंपनी भाई अब व्यापारिक कंपनी है, ठीक है, अगर देखा जाए भाई वो बिना व्यापारिक कोई अगर लाभ नहीं मिलेगा, कोई उनका अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो भाई किराए पर क्यों लेंगे,
तो किराए पर उन्होंने क्या लिया, ठीक है, कंपनी ने एक ऑंगियार नामक अधिकारी को, ऑंगियार नामक एक अधिकारी को, ठीक है, नियुक्त कर दिया और बंबई के गांव का क्या कराया, शहरी करा। अब बंबई को क्या कर, ऑंगियार नामक अधिकारी, ऑंगियार नामक अधिकारी को क्या किया, नियुक्त किया। बंबई का संस्थापक कौन, बंबई का संस्थापक कौन, गेराल्ड ऑंगियार। पूरा नाम इसका क्या है, ऑंगियार, क्या कह सकते हैं, पूरा नाम इसका गेराल्ड ऑंगियार है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, एक बार नहीं कई एग्जाम में, छोटे बड़े एग्जाम में पूछा गया है कि बंबई का संस्थापक कौन है, तो बंबई का संस्थापक क्या होगा, गेराल्ड ऑंगियार। साइड में कहीं लिख लीजिएगा फाउंडर, तो फाउंडर आओ बंबई। ऐसे ही जब हम कलकत्ता की बात करेंगे तो वहां पे जॉब चारनाक का निकल के नाम आएगा, जॉब चारनाक का नाम निकल। तो अब बंबई का भी स्थापना हो गई। अब हम कहां कहां पहुंच गए, मद्रास की स्थापना करा दी, बंबई भी करा दिया है, थोड़ा सा काम बंगाल, चलिए बंगाल की तरफ। बंगाल में काली गांव थे, गेराल्ड ऑंगियार, कालीघाट गांव था, सूतानाती, भैया हिंदी इंग्लिश दोनों सब साम सेम होगा नाम, सूतानाती का वो क्या थे, अंग्रेज हुआ करते, सॉरी गोविंदपुर याद दिलाए भैया, गोविंद गोविंदपुर, उतानाती, कालीघाट, तीन गांव थे। यहां का एक जमींदार हुआ करता था, जमींदार तो मतलब समझते, टैक्स वगैरह कलेक्शन वगैरह कलेक्ट करता था, हाँ अमीन या लेखपाल कह सकते, नहीं टैक्स वसूल ले जाएगा, इतना तैयारी करो जाओगे घर घर कर टैक्स वसूलोगे, इब्राहिम खान जमींदार, इब्राहिम खान जमींदार हुआ करता था। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इससे बातचीत की मात्र 1200 रुपए देकर, मात्र 1200 रुपए दे करके, ठीक है, इन तीन गांवों की जमींदारी खरीद। अब ये गांव छोटे मोटे गांव नहीं थे, उसमें ठीक ठाक बड़े बड़े गांव हुआ करते थे, ठीक है, 1200 रुपए तब उस समय का, आज का देखा जाए तो 1200 करोड़ हो सकता, ठीक है, क्योंकि कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है। तीन गांव को क्या किया, सूतानाती, कालीघाट, और इन तीनों गांवों को एक अधिकारी नियुक्त किया गया जिसका नाम दिया गया, जो अधिकारी का नाम था जॉब चारनाक। एक अधिकारी को नियुक्त कर इन तीनों गांव का क्या कराएगा, अर्बनाइजेशन कराएगा, शहरीकरण कराया गया, और आगे चल करके यही तीनों गांव डेवलप हो रहे हैं, तो हम कोलकाता या कलकत्ता के नाम से। तो कलकत्ता का संस्थापक कौन, कलकत्ता का संस्थापक है बच्चा जॉब चारनाक। कलकत्ता का संस्थापक कौन है, कलकत्ता का संस्थापक, ये तीनों गांव आगे चल करके डेवलप हुए, और तीनों गांव डेवलप होकर के क्या बन रहे हैं, कलकत्ता बन रहे, ठीक है। और यानी कि कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय किसे दिया जाएगा, कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय किसे दिया जाएगा, जॉब चारनाक को दिया जाएगा, जॉब चारनाक को कलकत्ता नगर बसाने का श्रेय दिया जाएगा, ठीक है। जॉब चारनाक यहां बच्चा लिखा हुआ है, ठीक।
हाँ यही तीनों गांव विकसित होकर क्या कर सकते हैं, तीनों गांव डेवलप होकर के क्या बन रहे हैं, कोलकाता बन रहा है। ओके देखिए सारा क्रम से है, कुछ मिस तो नहीं हो रहा ना, अभी लग रहा कि मिस हो रहा है। अंग्रेज जब से आए हैं तब से सारी चीजें पकड़ के रखे हैं उन्होंने। चलिए अंग्रेजों को स्थापित करवा देते हैं, पर टकराव वगैरह हम देखेंगे पहले। हाँ 1700 में, और ये बात कब की हो रही है, हाँ ये लिखना भूल गया, ये बात हो रही है 1698 में, 1698 में हुआ था। यहीं पर 1700 में क्या है, एक किले का निर्माण कराया गया, इसका नाम था फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम किले का क्या कराया गया था, यहीं पर 1700 में फोर्ट विलियम किले का यहीं पर निर्माण कराया गया। ठीक है, पहले फोर्ट विलियम का किले का पहला प्रेसिडेंस कौन था, तो पहला प्रेसिडेंट जो हुआ करता था वो चार्ल्स आयर क्या हुआ करता था, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट था, ये कह सकते अध्यक्ष हुआ करता था। आयर, चार्ल्स आयर पहला अध्यक्ष था, पहला ये अध्यक्ष हुआ करता था चार्ल्स आयर। इतना 1700 में ये सारी चीजें हो रही है, किले बन रहे हैं। औरंगजेब का इस समय शासनकाल अगर देखा जाए तो मुगल सम्राट इस समय औरंगजेब हुआ कर। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, अब जैसे ये कोई किसी किताब में नहीं मिलेगा, जब फोर्ट विलियम की स्थापना की गई मुगल सम्राट, ये कुछ आपको तुक बैठाने पड़ेंगे जब आप एक एक सम्राट याद रखोगे। हाँ ऐसे ही पूछे जाते हैं, जो इसीलिए मैं क्यों हर बार क्वेश्चन की बात करूं, कि मैं वो चीजें चाह रहा हूं। आयोग के भरोसे ना बैठो, आयोग तुम्हारे भरोसे बैठो, मैं चाहता हूं कि जो आप पढ़े उसी में क्वेश्चन ढूंढना प्रारंभ कर। इसलिए हर बात पे मैं क्वेश्चन निकाल करके लेके आ रहा हूं, कोई भी पॉइंट बताता हूं मैं क्वेश्चन निकाल देता हूं। अब जैसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि जब फोर्ट विलियम की स्थापना हुई उसमें मुगल सम्राट कौन हुआ करता, तो मुगल सम्राट कौन हुआ करता था, औरंगजेब। औरंगजेब का टाइम पीरियड 1707 तक रहता है, 1700 में इसकी क्या हो रही है, स्थापना हो रही है। 17 अंग्रेजों के साथ अगर देखा जाए, अंग्रेजों या पुर्तगालियों या यूरोपीय कंपनियों का औरंगजेब के साथ संबंध ठीक ठाक थे, लेकिन आगे चल करके बिगड़ने लगते हैं। 1701 के आसपास में औरंगजेब यहां तक आदेश देता है कि सारे यूरोपियनों को गिरफ्तार कर लो, खैर वो चला जाता है। यही समय, इसी समय एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, 1715 तक पहुंच, और 1715 के आसपास में एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल या कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव, मुगल सम्राट 1715 में सम्राट रहेगा फर्रुख सियर, और फर्रुख सियर के दरबार में क्या है, एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचता, कुछ मेंबर रहते हैं, उसमें एक हैमिल्टन नामक चिकित्सक, हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि फर्रुख सियर के दरबार में जो उनकी महिलाएं थी वो कुछ असाध्य रोग से पीड़ित हुआ करते थे, ठीक है, और हैमिल्टन ने असाध्य रोग मतलब कुछ भी बीमारी रही होगी जिससे वो पीड़ित है, कोई असाध्य रोग का मतलब जिसका इलाज ना हो, भारत में उसमें इलाज नहीं था, बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी, तो महिलाएं कुछ ऐसा था कि उनका इलाज नहीं हो सकता था, तो हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक क्या आता है इस प्रतिनिधि मंडल में, इस इनका एक ग्रुप आ रहा है, उसमें एक चिकित्सक एक डॉक्टर भी हुआ करता हैमिल्टन, और हैमिल्टन ने इलाज किया और वो सबके सब सही, इससे फर्रुख सियर खुश हो गया, और फर्रुख सियर खुश हुआ तो फर्रुख सियर ने खुश होकर के वही होता है असरफिया बांटना, ठीक है, उसने दिया फरमान दे दिया कि जाओ तुम बंगाल में क्या करो। फर्रुख सियर ने यहीं पर दस्तक जारी किया था, कोई बोलते हैं फ्री पास था, ट्रेड करने का शुल्क मुक्त व्यापार, क्वेश्चन पूछा गया है दस्तक किसने किया, दस्तक किसने जारी किया 1717, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, वेट करो देवी सारा पॉइंट पूरा बता रहा हूँ। तो 1717 ईस्वी में दस्तक को किसने जारी किया, फर्रुख सियर ने, उसमें कुछ रियायतें दी गई, सहूलियत भी दी गई, और कुछ भाई डॉक्टर को इलाज कर रहा है, आप भी होते हैं अभी अगर आपके लिए कोई कर दे तो आप खुश हो जाते हैं, आप कृतज्ञ हो जाते हैं, ठीक है कि भैया इसने मेरी हेल्प की, तो वही